हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में विंडोज 11 कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे वो सीखेंगे। पहले गूगल में जाके विंडोज 11 डाउनलोड कीजिए। गूगल साइट में ये माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज 11। यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज करिएगा, क्योंकि ये पेन ड्राइव में आप उसको सेव करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है विंडोज 11। इससे पहले आपको 8 GB या उससे ऊपर का पेन ड्राइव अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें भी ये डाउनलोडिंग हो रहा है उसमें इंस्टॉल करके इसको डाउनलोड करिएगा। देखिए, ये कुछ टाइम लेगा, आपके स्पीड के हिसाब से ही ये टाइम लेता है। जितना आपका इंटरनेट स्पीड होगा ये उतना ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट, डाउनलोड होने के बाद ये हमारा डाउनलोड हो गया। देखिए, ये हमारा पेन ड्राइव है, इसमें हमारा विंडोज 11 का सारा फाइल डाउनलोड होके रह गया। ये बूटेबल है, ये बूटेबल पेन ड्राइव हमने क्रिएट कर दिया, ये अपने आप ही बूटेबल पेन ड्राइव कर देगा। बस इसको निकाल लीजिए। ये देखिए हमारा पेन ड्राइव, ये हमारा विंडोज 11 बूटेबल हो गया है। इसको आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जाके फास्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव चूज करके इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ऑन करते हैं। पहले आपको फास्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव चूज करना है। देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। ये उसके बाद F10 दबा के उसको सेव करिएगा। देखिए, यस, अभी ये बूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इससे आप विंडोज 10 को अपग्रेड करके विंडोज 11 कर सकते हैं। अगर ये देखिए, यहाँ पे आप अपना इंडिया सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन सेटअप इजी स्टार्टिंग, देखिए नीचे वाला आप सिलेक्ट करिएगा, एडवांस ऑप्शन, आपका जो भी है उसको डिलीट कर दीजिए, सारे ड्राइव्स को, नए ड्राइव्स हम क्रिएट करेंगे। अगर आपके पार्टीशन करना है तो पार्टीशन कर दीजिए, सिंगल ड्राइव रखना है तो सिंगल ड्राइव रख के नेक्स्ट बटन क्लिक करिए। देखिए, उसके बाद पार्टीशन 1 को नेक्स्ट करिए। देखिए, हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्टिंग हो चुका है। ये मिनिमम 10 मिनट तक लगता है। आपका SSD या NVMe होगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर हार्ड डिस्क होगा तो 10-15 मिनट के ऊपर भी लग सकता है, आपके सिस्टम के हिसाब से। विंडोज 10 से विंडोज 11 करेंगे तो आपको मिनिमम 8 GB का रैम और मैक्सिमम 100 to 200 GB आपका स्टोरेज होना चाहिए। आपका सिस्टम i3 या उससे ऊपर होना चाहिए,
ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तो उससे भी अच्छा है, नहीं तो आपका सिस्टम बहुत स्लो होगा, विंडोज 11 इतना काम नहीं करेगा, इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा इतना अच्छा। देखिए ये 100% हो जाएगा, इसके बाद ये सिस्टम रिबूट होगा। कुछ करना नहीं है, ये अपना ही रिपोर्ट होगा, देख सकते हैं। इससे पहले ये अपना पेन ड्राइव को बूट कर ले, आपको पेन ड्राइव निकाल लेना चाहिए क्योंकि फास्ट बूट डिवाइस आपने पेन ड्राइव को चूज किया था, नहीं तो ये फिर से बूट कर लेता है एक एक लैपटॉप। देखिए गेटिंग रेडी, आपका विंडोज अगर जेन्युइन होगा तो आपको कोई प्रोडक्ट ही नहीं मांगेंगे, अगर आपका विंडोज जेन्युइन नहीं होगा तो आपका विंडोज नॉट जेन्युइन लिखेगा। इससे पहले कि आपका जेन्युइन लिखे, आपको प्रोडक्ट की ऑनलाइन से ख़रीद कर उसको इनपुट करके इंस्टॉल करेगा, नहीं तो बाद में भी आप डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हैं इंस्टॉल होने के बाद। अगर आपका मेल आईडी होगा तो विंडोज में, तो आप वहाँ पे भी जाके विंडोज को परचेस करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है, सिंपल प्रोसेस है। आपका वाईफाई टर्न होगा तो उसको ऑन करके वाईफाई का एड्रेस डाल के पासवर्ड डाल के उसको कनेक्ट कर दीजिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा लैपटॉप पहले से ही विंडोज 10 का रजिस्टर्ड वर्सन था, अभी हम विंडोज 11 का अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें पुराना वाला की अपग्रेड हो जाएगा, इसीलिए हमने नेट ऑन करके हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसको डालकर उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं होगा तो आपका विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट पूरी तरह से नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो आपका विंडोज रजिस्टर्ड नहीं दिखाएगा। देखिए हमारा डिवाइस नेम डाल दिए, देखिए जस्ट ए मोमेंट, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट नहीं है तो आपको इंटरनेट लिमिटेड एक्शन चूज करके उसको स्किप करके अपना नेम एड्रेस देके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, बाद में आप अपना मेल डाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने अपना मेल आईडी डाल दिया, उसके बाद पासवर्ड भी डाल दिया, थोड़ा पासवर्ड रंग था भूल गए थे तो हमने दोबारा उसको चालू करके, देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अभी ओपन हो रहा है, वो अपना आप ही आप अपना रजिस्ट्रेशन ले जाएगा, ऑनलाइन है। देखिए नेक्स्ट ये जिसका अकाउंट है उसका नेम उसका फ़ोटो के साथ आ गया, अभी कोई भी पिन सेट कर सकते हैं 4 डिजिट का,
हमने एक पिन चूज कर दिया, दो टो कम्बिनेशन करके डालना है। नेक्स्ट देखिए चूज प्राइवेसी सेटिंग्स, नेक्स्ट ऑल आर ओके। देखिए आप क्या क्या यूज़ करेंगे, गेमिंग एंटरटेनमेंट और रीडिंग, ऐसे सब सिलेक्ट करके उसको नेट कर दीजिए। देखिए अभी आप योर एंड्रॉयड फ़ोन को अगर उसका डाटा रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन करके आप उसको डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल हम उसको स्किप कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको धैर्य रखना है, हमने बीच बीच में स्किप कर देते हैं पर ये बहुत टाइम लेता है, आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट ए मोमेंट, आई गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। यहाँ पे जितना भी टाइम लेता है नेचुरल में उससे ज़्यादा टाइम लेता है, आप याद रखिएगा, हमने वीडियो को स्किप कर दिया है। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह से नए नए वीडियो हम लेके आएंगे और आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। कीप योर पीसी एंड प्लॉग इन, आपका ध्यान रखिएगा कि आपका चार्जर कनेक्ट होना चाहिए। क्या है कि अगर बीच में अगर चार्जर डिसकनेक्ट हो जाएगा, अगर बैटरी डाउन हो जाएगा तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बीच में बंद हो जाएगा। देखिए हमारा विंडोज़ अभी पूरी तरह से लोड हो चुका है, ये विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।